गाँव में चलना गाँव में चल रहा तो भाई अब हम जा रहे हैं पराठे वाली गली और इसका नाम तो हमने बहुत सुना था है ना। और अब पराठा तो खाना बनता है भाई। अब बस यहाँ पास ही में आने वाला है पराठे वाली गली। तो भैया पराठे वाली गली जाने से पहले हम आपको पहले चांदनी चौक की ये मार्केट दिखाने लाए हैं और इसके बाद जो है हम चलेंगे पराठे वाली गली। तो उससे पहले जो है हम लोग घूमते हैं चांदनी चौक। तो आइए चलते हैं चांदनी चौक बाजार के अंदर। लाल किले के बिल्कुल सामने है चांदनी चौक। तो यह बाजार जितना फेमस है सब अपने सस्ते सामान के लिए तो उससे भी कई ज्यादा जाना जाता है अपने कीमती सामानों के लिए। चांदनी चौक बाजार लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और यह बाजार चांदनी चौक से लेकर नई सड़क तक फैला हुआ है। पहले यह बाजार कम बना हुआ था, भीड़ भाड़ ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले 2021 में के सितंबर में इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया तथा पुनर्निर्माण के बाद इस बाजार में गाड़ियों का भी आवाजाही बंद कर दी गई, जिससे काफी अच्छा और सिस्टमैटिक हो गया है। यह बाजार के अंदर आप पैदल चलना पड़ेगा या फिर साइकिल रिक्शे द्वारा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चांदनी चौक पहुंचने के लिए आप लोगों को यहीं पास ही में लाल किला मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा, साथ ही यहां से वह बाजार शुरू हो जाता है। यह बाजार मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने है और आप यहां से रिक्शा वगैरह भी कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते होंगे कि पुनर्निर्माण के बाद रोड के बीचों बीच में एक छोटा सा गार्डन टाइप का बना दिया गया है जो यहां से शुरू होते हुए आपका नई सड़क तक जाता है। और तो यहां पर लोग अपनी फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं। कुछ सालों पहले यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बाजार बहुत ही अच्छा बन जाएगा और यहाँ पर चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो दोनों के लिए उचित मूल्यों पे और महंगे से महंगे दामों में भी सामान मिल सकता है। वैसे तो यहाँ पर सालों भीड़ रहती है, लेकिन शादी के समय में यहाँ पर कुछ और ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और शादी के जो जोड़े होते हैं यानी हस्बैंड वाइफ और दूल्हा दुल्हन और के लिए काफ़ी हद तक अच्छे सा लहंगे और शेरवानी भी मिल जाती है। और आप ये देख सकते होंगे दूर से ये गाड़ी उठाने वाली ट्रेन जा रही है, तो भाई यहाँ पर आइए और अपनी गाड़ियों को सामान खड़ा करिए क्योंकि यहाँ पर गाड़ी टूटने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो अब हम चल रहे हैं आगे और भी हम आपको आगे दिखाते हैं तरीके। तो ये देखिए यहाँ पर दुल्हन के कितने अच्छे अच्छे लहंगे टंगे हुए हैं और ये पूरी यहाँ पर लहंगा दुल्हन के और दूल्हे के जो शेरवानी होती है उसके लिए यहाँ पर कपड़े मिलते हैं और अच्छे से अच्छे दामों में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा मुझको नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा कहीं पर इससे ज़्यादा अच्छा ये सब सामान मिल सकता है। तो आपको पहले ही मैंने आप बता दिया कि यहाँ पर महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता आइटम मिल जाएगा। तो भाई अब हम
आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं चल के कि यहाँ पर ऐसा क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ ब्राइड्स के लहंगे हैं जो कि एक स्टैचू पे लगे हुए हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और वाजिब दामों में भी मिल जाते हैं। तो अन्य मार्केटों से यहाँ पर थोड़ा कम दाम में मिलता है सामान। तो अभी रास्ते भर में चल रहे थे और थोड़ी सी भूख लगी, तो मैंने ये सोचा ये क्या चीज़ देखा जाए, तो समोसे थे, खस्ते थे और बड़े थे, तो मैंने खा करके अपनी पेट बुझा की, जो भूख लग रही थी वो कम की और आगे निकल पड़ा। और आगे देखता हूँ कि यहाँ पर आगे और क्या क्या है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं चल के कि आगे और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलते हैं आगे। अभी वापस मैं मेन मार्केट में आ करके आगे की ओर चल रहा हूँ और आगे देखता हूँ कि यहाँ पर और क्या मिलता है। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पर है शेरवानी की बहुत ही अच्छी शॉप, जो कि मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे दूल्हों के लिए शेरवानी मिल रही है और देखने में फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर कुर्ते मिल रहे हैं और पैजामा वगैरह भी मिल रहा है। देखिए तो जो दूल्हे के ऊपर टोपी होती है वो कितनी अच्छी लग रही है और सूट भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ उसको नज़र आ रहा है और अब आगे भी कपड़ों को देखते हैं चल के। तो यहाँ पर पूरा जो है दूल्हे का ही सामान लगा हुआ है, मतलब कपड़े वगैरह, शेरवानी है या कुर्ता पैजामा है या फिर कोट पैंट है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अच्छे दामों पर और एक बार आप विज़िट करके ज़रूर देखें कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना अच्छा सामान है। और यहाँ आपको बैग्स भी मिल जाएंगे, लेडीज़ बैग्स और पर्स वगैरह। तो और आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में और तब तक आपको दिखाते हैं कि इस शॉप में और क्या क्या है यहाँ पर जो हम आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे पूरा शेरवानी का एक तरफ कोट है और दूसरी तरफ पर्स वगैरह मिल रही हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे कि गुरुद्वारा है सिख साहब जी का, सिखों का मतलब। तो यहाँ पर आदमी आके, लोग आके अपना थोड़ा विश्राम करते हैं, जलपान करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आप ये मेरे सामने ठीक सामने देख सकते होंगे हल्दीराम का आउटलेट बना हुआ है। यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा खाना भी मिल जाएगा और हल्दीराम तो वैसे भी फेमस है। तो अभी हमें 1 किलोमीटर लमसम और चलना पड़ेगा, तो आपका नई सड़क आ जाएगी और वहाँ से यह मार्केट ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपको अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि पराठे वाली गली भी ले चलें और वहाँ के जितने पराठे हैं के फ्लेवर्स हैं सब आपको खिलाएं। वैसे यही जो रूट आगे जा रहा है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मार्केट जो है ये कटरा बाज़ार है और यहाँ पर शूटिंग शर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आ गया है आज़ाद। तो अब हम लोग जो है चांदनी चौक के दूसरे छोर पर पहुँच गए हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मार्केट के दूसरे छोर पे। तो अब हम लोग आपको उसी जगह वापस लिए चल रहे हैं पीछे से, मार्केट के उसी हिस्से से जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की थी। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है ऐसा जो यहाँ देखने लायक है। तो यहाँ पर फिल्म मतलब वो फोटोज़ वगैरह और वीडियो शूट ये भी अच्छे ढंग से होता है और आप यहाँ पर कैमरे वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर साइकिल की दुकान है और यहाँ पर आपको अच्छे दाम में
साइकिल की दुकान भी मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं पूरा चांदनी चौक बाजार ही इन सब चीजों से भरा हुआ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर सुई से लेके अगर भी हो सका तो हेलीकॉप्टर भी मिल जाए, यहाँ पर हर सामान मिल जाता है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। और ये देखिए सब लाइटिंग की दुकान लगी हुई है। और यहाँ पर आप जो है अपने घर के लिए अच्छी से अच्छी झालर हुई या और भी लाइट हुई, वो यहाँ पर सस्ते सस्ते दाम में, उचित दामों में मिल जाती है। तो भाई यह वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में, जो कि पराठे वाली गली से लेकर रिलेटेड है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। तो ये आप देख ही रहे हैं भाई, और इन्जॉय करिए इसको। तब तक के लिए राधे राधे।